हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आपको पता ही होगा कि हिस्ट्री घटना चक्र मैं पढ़ा रही हूँ। इसके पहले मैंने बहुत सारे चैप्टर करवा रखे हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देखिए और पूरा सॉल्व करिए। तो स्टार्ट करते हैं क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, टाइम बहुत कम है। तो रिविजन के बेसिस पे हम सारे चैप्टर को वन बाई वन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं मौर्य राजवंश की। पहले तो थियरी कर लेते हैं इसको, ठीक है? तो उसके बाद क्वेश्चन करते हैं जिससे कि क्वेश्चन करने में आसानी होगी। तो मौर्य राजवंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी और वह भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट था। वह ऐसा सम्राट था जिसने बृहत्तर भारत पर अपना शासन स्थापित किया और जिसका विस्तार ब्रिटिश साम्राज्य से बड़ा था। उसके साम्राज्य की सीमा ईरान से मिलती थी। उसने ही भारत को सर्वप्रथम राजनीतिक रूप से एकबद्ध किया। विशाख दत्त कृत मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को नंदराज का पुत्र माना गया है। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को वृषण एवं तथा कुलहीन भी कहा गया है। धुंडी राज ने मुद्रा राक्षस पर टीका लिखी थी। मुद्रा राक्षस के अतिरिक्त विशाख दत्त के नाम से दो अन्य रचनाओं का भी उल्लेख मिलता है जिसमें देवी चंद्रगुप्तम है और अभिसारिका वंचितक या अभिसारिका बंधितक। प्राच्य क्षेमेंद्र कृत बृहत बृहत कथा मंजरी तथा सोमदेव कृत कथा सरिसागर में चंद्रगुप्त के शूद्र उत्पत्ति के विषय में विवरण मिलती है। बौद्ध ग्रंथ महाबोधिवंश के अनुसार चंद्रगुप्त राजवंश से संबंधित था तथा वह मौरी नगर में उत्पन्न हुआ था। हेमचंद्र के परिशिष्ट पर्वन में चंद्रगुप्त को मयूर पोषकों के ग्राम के मुखिया के पुत्री का पुत्र बताया गया है। तो ऐसा कुछ कहा गया है, कुछ क्लियर तो है नहीं किसके पुत्र थे, कहाँ से आए थे। विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने सेंड्रोकोटस की पहचान की और मौर्य शासक चंद्रगुप्त से की। उन्होंने कोटस की एक पहचान की और कहा कि चंद्रगुप्त मौर्य यही थे। एरियन तथा प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस के रूप में वर्णित किया है। जास्टी ने सेंड्रोकोटस चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है। ऋषि चड़क ने अपने पुत्र का नाम चाणक्य के रखा था। अर्थशास्त्र के लेखक के रूप में इसी पुस्तक में उल्लिखित कौटिल्य तथा एक पद्य खंड में उल्लिखित विष्णुगुप्त नाम की सभ्यता चाणक्य से की जाती है। पुराणों में उसे द्विजर्भस मतलब श्रेष्ठ ब्राह्मण कहा गया है। कौटिल्य द्वारा मौर्य काल में रचित अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है। इसने राज्य के सप्तांग सिद्धांत मतलब सप्तांग सिद्धांत कौन से याद कर लो, राजा अमात्य जनपद दुर्ग कोष दंड एवं मित्र। राजा अमात्य जनपद दुर्ग कोष दंड एवं मित्र की व्याख्या की। कौटिल्य का अर्थशास्त्र ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है अपितु राजनीति शास्त्र का एक अदिति ग्रंथ है। मतलब ये अर्थशास्त्र नाम तो है लेकिन ये अर्थशास्त्र नहीं है बल्कि राजनीति शास्त्र है। इसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत की विजय प्राप्त की थी। जैन एवं तमिल साक्ष्य भी चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण विजय की पुष्टि करते हैं। राजनैतिक तौर पर समस्त भारत एकीकरण चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में संभव हुआ। प्रारंभिक विजयों के फल स्वरूप चंद्रगुप्त का साम्राज्य ब्यास नदी से लेकर सिंधु नदी तक के प्रदेश पर हो गया। रुद्रदामन के अभिलेख से पश्चिमी भारत पर उसका अधिकार प्रमाणित होता है। जैन ग्रंथों के अनुसार सौराष्ट्र के साथ साथ अवंती भी चंद्रगुप्त मौर्य का अधिकार था। उनकी मृत्यु के समय उनके साम्राज्य का विस्तार पश्चिम में हिंदू कुश पर्वत से पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा उत्तर में हिमालय की श्रृंखलाओं से दक्षिण में मैसूर तक था। तो 150 ईस्वी के रुद्रदमन के जूनागढ़ शिलालेख से अनर्त और सौराष्ट्र गुजरात प्रदेश में चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय राज्यपाल पुष्यगुप्त द्वारा सिंचाई के बांध के निर्माण का उल्लेख मिलता है जिससे यह सिद्ध होता है कि पश्चिम भारत का यह भाग मौर्य साम्राज्य में शामिल था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के साम्राज्य के पूर्वी भाग के शासक सेलुकस की आक्रमणकारी सेना को 305 ईसा पूर्व में समाप्त मतलब परास्त कर दिया। यूनानी लेखकों ने बिंदुसार को अमित्रोकेडीज कहा है। विद्वानों के अनुसार अमित्रोकेडीज का संस्कृत रूप है अमित्रघात मतलब शत्रुओं का नाश करने वाला। जैन ग्रंथ उसे सिंहसेन कहते हैं। जैन ग्रंथ में बिंदुसार की माता का नाम दुर्धरा मिलता है। दिव्यावदन के अनुसार बिंदुसार के समय तक्षशिला में विद्रोह हुआ था जिसको दबाने के लिए उसने अपने पुत्र अशोक को भेजा था। स्ट्रैबो के अनुसार बिंदुसार के समय में मिस्र के राजा एंटियोकस
उसने डाइमेकस नामक राजदूत भेजा। प्लिनी के अनुसार मौर्य दरबार से मिस्र के राजा टालमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने डायनोसिस नामक एक राजदूत भेजा। बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस से 3 वस्तुओं की मांग की थी, और ये वस्तुएं थी मीठी मदिरा, सूखी अंजीर एवं दार्शनिक। एंटियोकस ने दार्शनिक को छोड़कर शेष सभी वस्तुएं बिंदुसार को भिजवा दी थी। बौद्ध साक्ष्यों के अनुसार अशोक अपने पिता के शासनकाल में अवंती का उपराजा मतलब वायसराय था। असम और सुदूर दक्षिण को छोड़कर संपूर्ण भारतवर्ष अशोक के साम्राज्य के अंतर्गत था। अशोक ने अपनी प्रजा के विशाल समूह को ध्यान में रखकर ही एक ऐसे व्यवहारिक धर्म का प्रतिपादन किया जिसका पालन आसानी से सभी कर सकें। सहिष्णुता, उदारता, करुणा त्रिविध आयाम थे। अशोक ने 272 ईसा पूर्व के लगभग मगध का राजा बना तथा 4 वर्ष बाद 269 ईसा पूर्व में उसका राज्याभिषेक हुआ था। उसने अभिलेखों में सर्वत्र उसे देवनाम पीदसी कहा गया, जिसका अर्थ है देवताओं का प्रिय या देखने में सुंदर। पुराणों में इसे अशोक वर्धन कहा गया। दशरथ की अशोक की तरह देवनाम पी की उपाधि धारण करता था। सिंहली अनुश्रुतियों, दीपवंश तथा महावंश के अनुसार अशोक के राज्यकाल में पाटलिपुत्र बौद्ध धर्म की तृतीय संगीति हुई थी। इसकी अध्यक्षता मोग्गल्लीपुत्र तिस्त नामक प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु ने किया था। अगर आपने ये नहीं पढ़ा होगा, इसके पहले भी कुछ चैप्टर थे जिसमें इन सब चीजों के बारे में मैंने डिटेल में वर्णन किया है, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा, जाके उस वीडियो को भी देखिए। इसके पहले हिस्ट्री के जितने भी घटनाचक्र कराए गए सब देखिए। तो दीपवंश और महावंश के अनुसार अशोक को उनके शासन के चौथे वर्ष निग्रोस नामक भिक्षु ने बौद्ध मत में दीक्षित किया। तत्पश्चात मोग्गल्लीपुत्र तिस्त में के प्रभाव से वह पूर्ण रूपे बौद्ध हो गया। दिव्यावदान के अनुसार अशोक को उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। मौर्य शासकों में अशोक और उसका पौत्र दशरथ बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। आगे बात करते हैं, अशोक के अभिलेख में रज्जुक नामक अधिकारी का उल्लेख मिलता है। रज्जुकों की स्थिति आधुनिक जिला अधिकारी जैसी होती थी, जिसे राजस्व या न्याय मतलब जिला अधिकारी मतलब डीएम की तरह दोनों क्षेत्र पर अधिकार प्राप्त था। अगनोई मोई जिले के अधिकारी को कहा जाता था। मौर्य काल में व्यापारिक काफिलों के मुखिया को सार्थवाह की संज्ञा दी गई। मौर्य बौद्ध धर्म ग्रहण करने के उपरांत अशोक ने आखेट तथा विहार यात्राएं रोक दी तथा उनके स्थान पर धर्म यात्राएं प्रारंभ की। राज्याभिषेक के 10 वर्ष बाद 8वां शिलालेख संबोधि बोध गया में मतलब संबोधि जो थी वो बोध गया तथा 20 वर्ष बाद रुम्मनदेई अभिलेख रुम्मनदेई तथा उनकी पूजा की गई। और आगे बात करें तो इतिहासकार विंसेंट आर्थर स्मिथ ने अपनी पुस्तक इंडियन लीजेंड ऑफ अशोक में साहित्यिक साक्ष्यों के आधार पर उपगुप्त के साथ अशोक की धम्म यात्राओं का क्रम इस प्रकार किया। लुम्बिनी पहले कहा मतलब ये सीरियल वाइज है, ये बहुत सारे क्वेश्चन पूछा भी गया, आप आगे देखेंगे भी तो इसको याद कर लीजिए। उन्होंने पहले अशोक की धम्म यात्राओं में पहला कहाँ गए थे, वो लुम्बिनी गए थे, फिर कपिल वस्तु गए थे, फिर बोध गया गए थे, फिर सारनाथ गए, फिर कुशीनगर, फिर श्रावस्ती, ठीक है। उसके बाद अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 10 वर्ष बाद बोध गया की यात्रा की, 20 वर्ष बाद लुम्बिनी की यात्रा की तथा एक शिला स्तंभ स्थापित किया। बुद्ध की जन्मभूमि होने के कारण लुम्बिनी ग्राम का भोग कर साफ कर मतलब भोग कर मतलब जो भोग कर होता है उसको माफ कर दिया गया तथा भू राजस्व 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया गया। कालसी गिरनार मेरठ के अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है, तो याद कर लीजिए कालसी गिरनार और मेरठ इसके अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है। अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः उनके अभिलेखों में से ज्ञात होता है। उनके अभिलेख का विभाजन 3 वर्गों में किया गया है। किसके अभिलेख का? अशोक के। पहले शिला लेख में, फिर स्तंभ लेख में, फिर गुहा लेख में। शिला लेख 14 विभिन्न लेखों का एक समूह है जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त हुए हैं। शिला लेख कौन कौन से स्थान से प्राप्त हुए? शाहबाज गढ़ी, मानसेहरा, कालसी, गिरनार, धौली, जौगढ़ और इरागुड़ी तथा सोपारा। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत में एवं ब्राह्मी लिपि में लिखे गए। केवल 2 अभिलेख बाजगढ़ी एवं मानसेहरा की लिपि ब्राह्मी न होकर खरोष्ठी में है, ठीक है। मतलब ब्राह्मी, खरोष्ठी और कई मतलब सभी में लिखा गया इनका अभिलेख। तो तक्षशिला से अरमेइक लिपि में लिखा गया एक एक भग्न अभिलेख सेरकुना नामक स्थान से यूनानी तथा अरमेइक लिपियों में लिखा गया द्विभाषी यूनानी एवं सीरियाई भाषा अभिलेख लंगमान नामक स्थान से अरमेइक लिपि में लिखा गया अशोक का अभिलेख प्राप्त हुआ है।
तो वही बात करें, ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन पत्थर की पट्टियों पर उत्कीर्ण अक्षरों सर पर से किया गया था। इस कार्य को संपादित करने वाले प्रथम विद्वान सर जेम्स प्रिंसेप थे। उन्होंने अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का श्रेय हासिल किया। डी आर भंडारकर ने मात्र अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का प्रशंसनीय प्रयास किया। प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता श्रीलंका स्थित अनुराधापुर से चला। कुछ और स्थानों के अभिलेखों से इस प्रकार की लिपि का साक्ष्य मिलता है, जिनके नाम इस प्रकार है, जैसे पीपर हवा, सोहगहवरा एवं महास्थान। तो प्राचीन भारत में खरोष्ठी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। इसे पढ़ने का श्रेय मैनसर प्रिंसेप, नॉरिस, लैनसन, कनिंगम आदि विद्वानों को है। यह मुख्यतः उत्तर पश्चिम भारत की लिपि थी। ठीक है, अशोक का व्रत तो याद कर लो, ये ब्राह्मी लिपि जो थी और खरोष्ठी लिपि कैसे लिखी है, खरोष्ठी दाएं से बाएं और ब्राह्मी बाएं से दाएं। ठीक है, और आगे आगे क्या है, अशोक का नामोल्लेख करने वाला गुर्जरा लघु शिलालेख मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित है। मास्की लेतूर एवं उडे गोलम के लेखों में भी अशोक का व्यक्तिगत नाम उल्लेख है। तो ऐसा नहीं कि केवल एक ही में उल्लेख है, कई में, मतलब मास्की में है, नेतूर में है, उडे गोलम में है, इन सब में भी उनके नाम का उल्लेख है। भाबरू जो बैराट स्तंभ के लेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, किसमें बताया है, भाबरू बैराट में है। अभिलेख अशोक को बौद्ध धर्मावलंबी प्रमाणित करता है। अशोक के प्रथम शिलालेख में पशु बलि निषेध के संदर्भ में इस प्रकार है, मतलब उन्होंने लिखा है पहले अभिलेख में, यहाँ कोई जीव मार कर बलि ना दिया जाए और ना ही कोई उत्सव किया जाए। पहले प्रियदर्शी राजा की पाकशाला में प्रतिदिन सैकड़ों जीव मांस के लिए मारे जाते थे, लेकिन अब इस अभिलेख के लिए लिखे जाने तक सिर्फ 3 पशु प्रतिदिन मारे जाते हैं, 2 मोर, 1 मृग। इसमें भी मृग हमेशा नहीं मारा जाता, ये तीनों भी भविष्य में नहीं मारे जाएंगे। 5वें स्तंभ लेख में भी अशोक द्वारा राज्याभिषेक के 26वें वर्ष बाद विभिन्न प्रकार के प्राणियों के वध को वर्जित करने का उल्लेख दिया है। मतलब 5वें अभिलेख में और कौन से, पहले अभिलेख में, दोनों में बात की गई पशु बल के निषेध की। अशोक के राज्यकाल की पहली घटना थी कलिंग युद्ध, और इसमें अशोक की विजय हुई थी। अशोक के 13वें शिलालेख में इस युद्ध के, मतलब 13वें अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। यह घटना अशोक के शासनकाल के 8 वर्ष बाद, मतलब 261 ईसा पूर्व में घटित हुई। इस शिलालेख में उसने कलिंग युद्ध से हुई पीड़ा पर अपना दुख और पश्चाताप व्यक्त किया, और अशोक ने दीर्घ शिलालेख 12वें में सभी संप्रदायों के सार की वृद्धि होने की कामना की। धार्मिक सहिष्णुता हेतु पालनीय उपाय उपाय बताएं। अशोक के 2वें एवं 13वें शिलालेख में संगम राज्यों जैसे चोल, पांडे, सातयुग एवं केरल पुत्र सहित ताम्रपाड़ी श्रीलंका की सूचना मिलती है। मौर्य शासक अशोक के 13वें अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि अशोक के पांच यवन राजाओं के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे, जिनमें थे अंतियोक, मतलब एंटियोकोस कोस सेकेंड थियोस, सीरिया का शासक तुरमय, तुरमाय टालेमी, फिलाडेल्फस मिस्र का राजा, अंतिकिनी, एंटीगोनस, गोनातास एवं मेसिडोनिया एवं मेकादोनिया का राजा, मग सायरीन का शासक, आलिक सुंदर एवं एपीराज का राजा, गोरखपुर जिले से प्राप्त सौगरा ताम्र अभिलेख और बांग्लादेश के बोगरा जिले से प्राप्त महास्थान अभिलेख की रचना अशोक कालीन प्राकृत भाषा में हुई, और इसे पूर्व 3री सदी की ब्राह्मी लिपि में लिखा गया। यह अभिलेख अकाल के समय किए जाने वाले राहत कार्यों के संबंध में थे। इसे अकाल पुष्टि जैन स्रोतों से होती है। मौर्य काल में न्यायालय मुख्यतः 2 प्रकार के थे, धर्मस्थायी तथा कंटक शोकन। धर्मस्थायी दीवानी अथवा कंटक शोधन फौजदारी न्यायालय थे। गुप्तचरों को अर्थशास्त्र में गूढ़ पुरुष कहा गया। इस अर्थशास्त्र में 2 प्रकार के गुप्तचरों का उल्लेख मिलता है। पहला था संस्था अर्थात एक स्थान पर रहने वाले संचरा अर्थात प्रत्येक स्थान पर भ्रमण करने वाले। मेगस्थनीज के इंडिका में पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन मिलता है। इसके अनुसार पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन 30 सदस्यों वाली समितियों द्वारा होता है। इसकी कुल 6 समितियां होती हैं तथा प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। 3री समिति जनगणना का हिसाब रखती थी। वर्तमान में भी यह कार्य नगर पालिका प्रशासन द्वारा किया जाता था। 6ठी शताब्दी का समिति का कार्य बिक्री कर वसूली करना था। विक्रय कर मूल्य का 10वें भाग के रूप में वसूल किया जाता था। करों की चोरी करने वालों को मृत्युदंड दिया जाता था व नगर के पदाधिकारी को एस्टिनोमोई कहता था। मेगस्थनी सेलुकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की राज्यसभा में भेजा गया यूनानी राजदूत था। मौर्य युग में नगरों का प्रशासन नगर पालिकाओं द्वारा चलाया जाता था, जिसका प्रमुख नागरक या पूर्व मुख्य
मुख्य था। मेगस्थनीज ने तत्कालीन भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया। वह इस प्रकार थे, दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक एवं मंत्री। मेगस्थनीज भारतीय समाज में दास प्रथा के प्रचलित होने का उल्लेख नहीं करता है। उसके अनुसार मौर्य काल में कोई भी व्यक्ति ना तो अपनी जाति से बाहर विवाह कर सकता है और ना ही अपनी भिन्न पेशा ही अपना सकता है। और बात करें तो इतिहासकार स्मिथ के अनुसार हिंदू कुश पर्वत भारत की वैज्ञानिक सीमा थी। अशोक के अभिलेख में मौर्य साम्राज्य के 5 प्रांत के नाम का उल्लेख है, जो किस प्रकार है। पहला है उत्तरापथ, उत्तरापथ मतलब तक्षशिला, अवंती अंतिरठ मतलब उज्जयिनी, कलिंग मतलब तोसली, और दक्षिणापथ मतलब सुवर्णगिरी, और प्राची मतलब पूर्वी प्रदेश। ये जो कॉलम में दिया ना, इसको पक्का याद कर लेना। भाग एवं बलि प्राचीन भारत में राजस्व के स्रोत थे। अर्थशास्त्र से ज्ञात होता है कि राजा भूमि का मालिक होता था। वह भूमि से उत्पन्न मतलब उत्पन्न उत्पादन का एक भाग का अधिकारी था। इस कर को भाग कहते थे। इसी प्रकार बलि को राजस्व का स्रोत था। ठीक है। मौर्य मंत्रिपरिषद में राजस्व एकत्र करने का कार्य समाहर्ता के द्वारा किया जाता था। अंतपाल सीमा रक्षक या सीमावर्ती दुर्गों की देखभाल करता था। प्रदेष्टा विषयों में कमिश्नरों का प्रशासक था। ये सब इसलिए पढ़ाया जा रहा है क्योंकि इसी छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं, क्योंकि कहीं से पूछ लेता है। उपर्युक्त पदाधिकारियों के अतिरिक्त अन्य पदाधिकारी भी इस प्रकार के पड़याध्यक्ष, सूराध्यक्ष, सूनाध्यक्ष मतलब बूचड़ खाने का अध्यक्ष, और गड़ा का अध्यक्ष मतलब वेश्याओं का निरीक्षक, और सीता अध्यक्ष मतलब राजकीय कृषि विभाग का अध्यक्ष, और अकारा अध्यक्ष मतलब खानों का अध्यक्ष, और लच्छड़ा अध्यक्ष मतलब छापे खानों का अध्यक्ष, और लोहा अध्यक्ष मतलब धातु विभाग का अध्यक्ष, तथा नवा अध्यक्ष मतलब जहाजरानी का अध्यक्ष। नवा मीन्स नए। ठीक है। अर्थशास्त्र में पति द्वारा परित्याग, पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है। मौर्यकालीन समाज में तलाक की प्रथा थी। पति के बहुत समय तक विदेश में रहने या उसके शरीर में दोष होने पर पत्नी उसका त्याग कर सकती थी। इसी प्रकार पत्नी के व्यभिचारी होने पर, बांध होने जैसी दशाओं में पति उसका त्याग कर सकने का अधिकारी था। विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा व्रात्य, छड़ी मतलब फॉलेन क्षत्रिय का सामाजिक स्तर किया गया था। सारनाथ स्तंभ का निर्माण अशोक ने कराया था। इस स्तंभ के शीर्ष पर सिंह की आकृति बनी है, शक्ति का प्रतीक है। इस प्रतिकृति को भारत सरकार ने अपने प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया है। मौर्य युगीन सभी स्तंभ चुनार के बलुआ पत्थरों से निर्मित है। स्थापत्य कला के दृष्टिकोण से सांची के स्तूप को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से स्थित है। इसका निर्माण अशोक ने कराया था। इस स्तूप का आरंभिक काल 3री शताब्दी ईसा पूर्व था। भरहूत का स्तूप मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है। सांची तथा भरहूत स्तूपों की खोज अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। अमरावती के स्तूप आंध्र प्रदेश के गुट्टूर जिले में कृष्णा नदी के दाहिनी तट पर की स्थित है। कर्नर कालिन मैकेंजी 1797 में इस स्तूप का पता लगाया था। सारनाथ का धमेक स्तूप गुप्तकालीन है, जो बिना आधार के समतल भूमि पर बनाया गया है। बिहार में पटना, पाटलिपुत्र समीप बुलंदीबाग, कुम्भघार में भी की गई खुदाई से मौर्य काल के लकड़ी के विशाल भवनों के अवशेष प्रकाश आए हैं। इन्हें प्रकाश में लाने का श्रेय स्पूनर महोदय को है। बुलंदीबाग से नगर के परकोटे अवशेष तथा कुम्भार से राजा प्रसाद के अवशेष प्राप्त हुए हैं। बुलंदीबाग पाटलिपुत्र का प्राचीन स्थान था, जिस महत्वाकांक्षी व्यक्ति ने 184 ईसा पूर्व में अंतिम शासक मौर्य शासक बृहदरथ की हत्या कर सुंग राजवंश की स्थापना की, वह इतिहास में पुष्यमित्र सुंग के नाम से विख्यात है। ईसा पूर्व की कुछ शताब्दियों में चंद्रगुप्त मौर्य ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया। उस क्षेत्र में चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील खुदवाई। अशोक ने तीसरी शताब्दी में इससे नहरें निकाली। सक छत्रप रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में इन दोनों के कार्यों का वर्णन है। जूनागढ़ के शासक रुद्रदामन ने झील की मरम्मत कराई थी। तो प्रथम भारतीय, तो क्वेश्चन करते हैं, अब ये सब हो गया तो अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था, कब किया गया था? चंद्रगुप्त के मौर्य के द्वारा। और भारत में सब मतलब पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक द्वारा की गई थी? तो ये भी चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा की गई थी। निम्नलिखित में कौन सा सबसे पुराना राजवंश है? तो वह मौर्य वंश, क्योंकि शुरुआत यहीं से हुई थी, और मतलब 321 से 184 ईसा पूर्व कि जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है, वह है विशाखदत्त। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य की विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सैंड्रोकोटस कहा गया? तो चंद्रगुप्त मौर्य को कहा गया। आगे बात करते हैं, सैंड्रोकोटस के चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? तो वह की थी विलियम जोन्स ने।
निम्न में से किसने सेडोकोटस और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया गया है? तो वह किया गया जस्टिन ने किया है। तो कौटिल्य प्रधानमंत्री थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, अशोक के किसके थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के। कौटिल्य में चाणक्य, चाणक्य अपने बचपन के किस नाम से जाने जाते थे? तो वह जानते जाते थे विष्णुगुप्त के नाम से। चाणक्य का अन्य नाम क्या था? तो वह था विष्णुगुप्त। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? तो अर्थशास्त्र भी बताया गया था किस में था, राजनीति शास्त्र पे। आगे कौटिल्य का अर्थशास्त्र है ये क्या है? शासन के सिद्धांतों की पुस्तक। निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का सातवां अंग कौन सा है? तो सातवां अंग मित्र है। तो यहाँ पर सातों अंग के नाम मैंने बोला से याद कर लो, तो यहाँ पर नहीं दिया है तो इसके पहले बताया गया, जिससे कि राज्य का सातवां अंग मित्र, राज्य राज्य के कान है, राजा के मित्र शांति एवं युद्धकाल दोनों ही स्थिति में उसकी सहायता करते हैं, ऐसा कुछ वर्णन है। कौटिल के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया? तो वह डाला गया राजनीतिक। तो निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? तो की जा सकती है कौटिल्य के अर्थशास्त्र की। तो किसके शासनकाल में डीमेकस भारत आया था? तो डीमेकस तो बिंदुसार के काल में भारत आया था। स्ट्रॉबी के अनुसार सीरिया के राजा एंटियोकस ने डीमेकस डाइमेकस नामक एक अपना राजदूत बिंदुसार के राजदरबार में भेजा था। बिंदुसार के शासन में मौर्य अशोक ने अवंती जन महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था। इसका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो इसका उल्लेख बुद्ध घोष की समंत पारसादिका में मिलता है। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का पहला महल मुख्यतः बना था, किसका बना था? वो लकड़ी का बना था। तो बिहार में पटना में पाटलिपुत्र समीप बुलंदी बाग एक कुम्हार ने में की गई खुदाई से मौर्य काल के लकड़ी के विशाल भवन के अवशेष प्राप्त हुए हैं। किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हार स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो वह पाटलिपुत्र के। बुलंदी बाग प्राचीन स्थान था, वह था पाटलिपुत्र का। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो वह की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। मालवा गुजरात और महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता था? वो भी चंद्रगुप्त मौर्य ने पहली बार जीता था। अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत था, वो कौन सा अभिलेख है? रुद्रदामन और जूनागढ़ के अभिलेख से प्राप्त होता है 185 ईसा पूर्व। ठीक है, गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था, वह प्रमाणित होता है रुद्रदामन और जूनागढ़ अभिलेख से। सेलुकस जिनको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं बगान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, वो को किस भारतीय राजा ने हराया था? तो उसको हराया था, सेलुकस को हराया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, और उनकी पुत्री से विवाह भी किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुकस को किस वर्ष में पराजित किया था? तो 305 ईसा पूर्व में। तो ये चित्र में नामांकित करना है किसके शासनकाल के वर्णन है? तो यह है अशोक के से उसके शासनकाल के अंतिम समय के वर्णन है, यहाँ तक उसने शासन किया था। तो किसने सहिष्णुता उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राज्य धर्म की स्थापना की? तो वह अशोक ने की। तो निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो वह था श्रीलंका। श्रीलंका नहीं था, बाकी सब था, बिहार था, अफगानिस्तान, कलिंग था, ये मैप में भी आप देख सकते हो ये वाले में। ठीक है, अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में किसने दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख है? तो वह था द्वितीय मुख्य अभिलेख में, शिलालेख में। और भारत का प्रथम अस्पताल तथा औषधि बाग निर्माण करवाया था? तो वह करवाया था अशोक ने। ठीक है, अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी थी, इसका प्रमाण कहाँ से मिलता है? जिसका नाम देवनाप्रिय की उपाधि से प्रिय मिलता है। तो देवनाप्रिय कहा गया जिसका अर्थ होता है देवताओं का प्रिय, देखने में सुंदर। निम्नलिखित में से किस स्रोत से अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध समिति होने का उल्लेख मिलता है? तो वह मिलता है दीपवंश से और महावंश से। ठीक है, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो वह की गई थी पाटलिपुत्र में। निम्नलिखित मौर्य शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी होते थे? वो होते थे बिंदुसार और दशरथ। नहीं, बिंदुसार नहीं था, अशोक और दशरथ बौद्ध बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। रज्जुक थे मौर्य शासन के अधिकारी। ठीक है, सार्थवाक किसे कहते हैं? तो सार्थवाक व्यापारियों के काफिले को कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं है? तो वह नहीं है अग्रहारी। अग्रहारी अशोक के अभिलेख के प्रशासन के महत्वपूर्ण पदाधिकारी के नाम मिलते हैं। तो अग्रहारी युक्त प्रादेशिक और राज्युक्त थे, युक्त जिले के अधिकारी होते थे जो राजस्व से थे, और राज्युक्त जो थे केवल राजस्व विभाग के कार्य करते थे, किंतु वह बाद में न्यायिक अधिकार भी प्रदान किया गया। और प्रादेशिक यह मंडल का प्रधान अधिकारी होता था, वर्तमान में संभागीय आयुक्त की तरह इसे न्याय की भी कार्य करना पड़ता था।
सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया गया था, तो वह किया गया था अशोक ने कराया था। निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं, तो वो सांची के स्तूप को मानते हैं। सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था, तो बनाया था अशोक ने। सांची का स्तूप किसने बनवाया था, तो अशोक ने बनाया था। रिपीटेड क्वेश्चन। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीन नाम नाम यह भी था, क्या था वो? काकड़ाम। और ये मिलान करना है, तो देखते हैं कौशाम्बी, कौशाम्बी घोषिता राम मठ, और सारनाथ जो है वो धामेक स्तूप है, और कुशीनगर क्या है? सहेत महेत, और श्रावस्ती क्या है? रानाभर स्तूप। इसको याद कर लीजिए, यहाँ भी दिया है कौशाम्बी घोषिता राम मठ, और ये है कुशीनगर मतलब रानाभर स्तूप, और सारनाथ है धामेक स्तूप, और श्रावस्ती सहेत महेत। तो स्मारक भग्नावशेष है। और तीर्थ स्थान के समय तीर्थ यात्रा के समय अशोक के निम्नलिखित स्थान पर आए थे, उन्होंने किस मार्ग के अनुगमन किया था, तो इसको सीरियल वाइज बताना, इसके पहले बताया गया है। तो पहले कहाँ गए थे, पहले गए थे वो लुम्बिनी गए थे, यहाँ पर दिया है। तो पहले लुम्बिनी, कपिल वस्तु, बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती, इस प्रकार फोर टू वन जी, मतलब फोर टू वन जी मतलब डी वाला ऑप्शन सही है। अशोक के शिला लेख में प्रयुक्त भाषा है, तो प्राकृत भाषा है। निम्नलिखित में से कौन सा अशोक कालीन अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है, तो वह खरोष्ठी लिपि में शाहबाजगढ़ी वाला। पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में लिखे गए थे, और प्राकृत भाषा में लिखे गए थे। ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन किस पर उत्कीर्ण अक्षरों पर किया गया, तो वह किया गया है पत्थरों की पट्टियों पर। अशोक ने के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था, तो वह पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। अशोक ने के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ा गया था, तो जेम्स प्रिंसेप ने। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था, ब्राह्मी लिपि को पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। ये किस तरह से क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन को बार बार पूछा है। अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था, देखो कैसे घुमा फिरा के वही क्वेश्चन पूछ रहा है। सम्राट अशोक के राजा देशों का सबसे पहले द्विघुटन किसने किया था, तो भी जेम्स प्रिंसेप। मौर्य साम्राज्य के पेशावर के निकट उत्तर पश्चिम भाग में अशोक के शिलालेख हैं, वो कि खरोष्ठी लिपि में थे। वह स्थान जहाँ प्राग के अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला, वह था अनुराधापुर। और प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाई और बाई और लिखी जाती है, तो दाई और बाई खरोष्ठी, और बाई और दाई ब्राह्मी। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाई लिखी जाती है, तो वह लिखी जाती है खरोष्ठी। अशोक का अपने शिलालेखों में समानता जिस नाम से उल्लेख हुआ है, वह है प्रियदर्शी। अशोक अपने शिलालेखों में अशोक के समानता किस नाम से जाने जाते हैं, तो वह नाम जाने जाते हैं प्रियदर्शी के नाम से जाने जाते हैं। अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी, तो देखो कैसे ही क्वेश्चन पूछ रहा है घुमा के। निम्नलिखित वक्तव्य में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है, तो वह क्या है? इन पर बढ़िया पाली से यह अखंड है, स्तंभों का स्वयं खुंडाकार है, यह स्थापित संरचना के भाग है, तो डी वाला नहीं है। और निम्नलिखित में से किस उभारदार मूर्ति शिल्प रिलीफ स्कल्पचर शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप के चित्र के साथ राड़ी अशोक उल्लिखित है, तो वह है कंगल हल्ली का हल्ली में। निम्नलिखित में से किस एक अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है, तो वह मिलता है मास्की में। अशोक के इतिहास में हमें मुख्यतः उनके अभिलेखों से ज्ञात होता है कि उनके अभी तक 40 से अधिक अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं। मस्की, गुर्जरा, नेतूर और उडेल गोलम के अभिलेखों में व्यक्तिगत नाम भी मिलता है। निम्नलिखित अभिलेखों में किस लेख में अशोक का नाम उल्लिखित है, तो वह उल्लिखित है मास्की का लघु शिलालेख। निम्नलिखित अभिलेखों में किसने अशोक का नामोल्लेख हुआ है, तो किसमें? गुर्जरा में हुआ है। अशोक का रुमनदेही स्तंभ संबंधित है, रुमनदेही संबंध है बुद्ध के जन्म से। गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नामोल्लेख किया गया, कहाँ स्थित है, तो गुर्जरा है मध्य प्रदेश के दतिया जिले में। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था, वो कौन सा है, तो वह है सम्राट बताया था वह है भभ्रुका स्तंभ। कालसी प्रसिद्ध है अशोक के शिलालेख के कारण। और अगला है उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेख की एक प्रति कहाँ मिली थी, तो वह मिली थी कालसी में। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षतियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में स्थित में है, तो वह है शिलालेख 13वें शिलालेख में। कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है, वह ज्ञात होता है 13वें शिलालेख से। निम्नलिखित में से अशोक ने निम्नलिखित में से पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित कौन सा अभिलेख लिखा है, तो वह अभिलेख है, तो वह है 12वां। अशोक ने दीर्घ शिलालेख
ने सभी संप्रदायों के सार की वृद्धि होने की कामना की है तथा धार्मिक सहिष्णुता हेतु पालनीय उपाय बताए गए हैं। निम्नलिखित में से किस शासक ने अपनी प्रजा को इस अभिलेख के माध्यम से परामर्श दिया? कोई भी व्यक्ति जो अपने संप्रदाय को महिमा मंडित करने की दृष्टि से अपने धार्मिक संप्रदाय की प्रशंसा करता है या अपने संप्रदाय के प्रति अत्यधिक भक्ति के कारण अन्य संप्रदायों की निंदा करता है, वह अपितु अपने संप्रदाय को गंभीर रूप से हानि पहुंचाता है, वह है अशोका। अशोक के जो प्रमुख शिलालेख संगम राज्य के विषय में हमें बताते हैं उनमें सम्मिलित है उसमें सेकेंड और 13वां। अशोक के दूसरे और 13वें शिलालेख में संगम राज्य चोल पांड्य सतीपुत्र एवं केरलपुत्र सहित ताम्रपर्णी की सूचना मिलती है। निम्नलिखित में से किस दक्षिणी राज्य का उल्लेख अशोक के अभिलेख में नहीं है? तो वह है सातवाहन, चोल पांड्य युग का है। टॉलेमी फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक के राजनयिक संबंध थे कहाँ का शासक था? वह शासक था मिस्र का। अशोक का समकालीन सूरमय कहाँ का राजा था? वह था मिस्र का। निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासकों के सुदूर देश जैसे सीरिया एवं मिस्र के साथ राजकीय संबंध थे? तो वह थे मौर्य के। अशोक के धम्म मूल संदेश क्या है क्या थे? वह थे कोई नहीं, राजा के प्रति वफादारी, शांति, महिमा, बड़ों का सम्मान, धार्मिक सहनशीलता। तो अशोक के धम्म एवं नैतिक संहिता थी। अशोक अपने दूसरे और सातवें शिलालेख के माध्यम से संदेश देते हैं कि अपसीनवे बहुकायवने दया दाने सचे सोचते माधे सात्वे च, अर्थात कम पाप करना, कल्याण करना, दया दान करना, सत्य बोलना, पवित्रता से रहना, स्वभाव में मधुरता तथा साधुता बनाए रखना। इस प्रकार अशोक धर्म के मूल संदेश में शांति और अहिंसा, बड़ों का सम्मान, धार्मिक सहनशीलता निहित है। सही उत्तर डी है। निम्न से अशोक के किस अभिलेख में पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि पर रोक लगाई गई? ऐसा लगता है कि यह पाबंदी पशुओं के वध पर थी। वह थी 5वें शिलालेख में। तो अशोक के प्रथम शिलालेख में पशु निषेध के संदर्भ में इस प्रकार है, कोई कोई जीव मारकर बलि ना दिया जाए और ना कोई उत्सव मनाया जाए। पहले प्रियदर्शी राजा की पाकशाला में प्रतिदिन सैकड़ों जीव मारे जाते थे, उसका वर्णन होगा। तो आगे प्रति हाँ चलो ठीक है, पूरा पढ़ लेना आप थोड़ा। निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेख में कौन सा एक खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है? तो है सौगौर ताम्रपत्र। अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। कलिंग दक्षिण भारत को जाने वाली स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। तो वह था, दोनों ही सही है, ये दोनों सही है। इसका मतलब स्पष्टीकरण भी है। मौर्य कालीन शासकों ने धार्मिक आधार पर भू अनुदान नहीं दिया था। भू अनुदान के विरुद्ध कृषकों ने विद्रोह किया था। तो इसमें ये सही है लेकिन दूसरा गलत है, ऐसा कुछ नहीं, कृषकों ने विद्रोह किया था। तो कृषकों के विद्रोह का कोई वर्णन नहीं है। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगस्थनी प्रसिद्ध तो अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध यूनानी भारतीय सॉरी राजदूत मेगस्थनी भारत में किसके दरबार में आया था? तो आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। अगला क्वेश्चन, मेगस्थनी दूत था, किसका दूत था? तो वो था सेलुकस का। किसके शासन काल में मेगस्थनी भारत आया था? तो वह चंद्रगुप्त मौर्य के काल में आया था। मौर्य साम्राज्य का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है, तो यह किया गया मेगस्थनी की पुस्तक इंडिका में। तो इसमें है पहला दार्शनिक है, फिर कृषक है, फिर पशुपालक है, फिर कारीगर है, योद्धा है, निरीक्षक है, सभासद है। मेगस्थनी भारतीय समाज में दास प्रथा के प्रचलित होने का उल्लेख नहीं करता। मेगस्थनी ने भारतीय समाज में कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? तो 7, ये देख लीजिए। निम्नलिखित में से किस स्रोत में निम्नलिखित उल्लिखित है कि प्राचीन भारत में दास्ता नहीं थी? तो वह थी मेगस्थनीज की इंडिका में। मौर्य समाज का विभाजन 7 वर्गों में विशेष तौर पर उल्लेखित है, वह कौन से? मेगस्थनीज की इंडिका। मौर्य काल में टैक्स को छुपाने के लिए क्या दंड दिया जाता? मृत्यु दंड दिया जाता था, सीधे हैं टेल टू डेथ। अगला है, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, वह है इंडिका। निम्नलिखित में से कौन स्रोत मौर्य के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण देता है? तो वह है मेगस्थनीज की इंडिका। मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका। इंडिका का मूल लेखक कौन? मेगस्थनीज। घुमा फिरा के पूछा है वही। इंडिका का लेखक कौन है? तो मेगस्थनीज है। इंडिका के लेखक कौन था? तो मेगस्थनीज था। वर्तमान नगर पालिका प्रशासन का कार्य कौन सा कार्य मौर्य काल
से जारी है। तो हजारी जन्म मृत्यु का पंजीकरण मौर्य काल से जारी है। नेक्स्ट, मौर्य नरेश के बारे में लिखित कथनों पर कथनों कौन सा कथन सही है और कौन विकास किया? ठीक है, देखते हैं कौन कौन सा सही है। संस्कृत कला का साहित्य, सोने के सिक्का नहीं है, बाकी सब सही है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा डी। आगे है, भाग एवं बलि थे, भाग और बलि थे राजस्व के स्रोत, और मौर्य काल में भूमि पर कर जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, वो किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था? वह सीता अध्यक्ष के द्वारा किया जाता। सीता अध्यक्ष कृषि भूमि का अध्यक्ष होता था। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है राज्य की भूमि से प्राप्त आय का। तो मौर्य मंत्री परिषद में निम्न से कौन सा राजस्व इकट्ठा करने संबंधित था? वह था समाहर्ता। और निम्नलिखित में से कौन मौर्य युगीन अधिकारी तौल माप का प्रभारी था? तो वह था पौतवाध्यक्ष। पौतवाध्यक्ष तौल माप मतलब वेट एंड मेजरमेंट का प्रभारी था। मौर्य काल में एग्रोनोमोई अधिकारी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो वह थे मार्ग निर्माण से। आगे है, पंकोद कसन्नी रोधे मौर्य प्रशासन द्वारा लिया जाने वाला जुर्माना था, यह था सड़क पर कीचड़ फैलाने पर। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था, वह था तक्षशिला। आगे, कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल का न्याय व्यवस्था निम्नलिखित में न्यायालय के अस्तित्व में था, तो वह था धर्मास्थायी और कंटक शोधन में। ठीक है, तो कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में न्यायालय को दो प्रकार में विभाजित किया गया था, धर्मस्थायी और कंटक शोधन में। धर्मस्थायी में दीवानी तथा कंटक शोधन में फौजदारी न्यायालय था। भारत के सांस्कृतिक इतिहास संदर्भ में इतिवृत्तों राजवंशी इतिहास द्वारा वीर गाथाओं को कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय था? तो वह था मागध का। तो भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों राजवंशी इतिहासकारों का वीर गाथाओं को कंठस्थ करने का व्यवसाय मागध सूत वर्गों का था। गांवों के शासन को स्वायत्तशाही पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किसने किया? तो वह किया द्राविड़ों ने। ठीक है, प्राचीन भारत में निम्नलिखित ग्रंथों में से किस में पति द्वारा परित्याग पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई? तो दी गई थी अर्थशास्त्र में। अगला, निम्नलिखित में से किस में पुनर्विवाह वर्जित है? तो वर्जित है मनुस्मृति में। मनुस्मृति के 38वें खंड में स्पष्ट उल्लेख है कि वह व्यक्ति जिसकी पत्नी मर गई है वह पुनर्विवाह कर सकता है, लेकिन विधवा स्त्री जिसका पति मर गया विवाह नहीं कर सकता है। विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर था, वह था व्रात्य क्षत्रिय का। निम्नलिखित व्यक्ति भारत में किसी न किसी समय आए हैं, तो इनका क्रोनोलॉजी लगाना है। तो पहले मेगस्थनीज आया था, फिर आया था फायान, फिर हेनसांग, फिर सिंह आया था। तो इसके आंसर हो जाएगा 3142। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देख लीजिए, इंडिका में पुस्तक की रचना की थी, फाइयन चंद्रगुप्त सेकंड टाइम आया था और हेनसांग हर्षवर्धन के टाइम आया था, और सिंह 7वीं सदी में भारत चीनी यात्री था। और यहाँ पर चंद्रगुप्त प्रियदर्शी ये सब मिलान करना है, तो यहाँ पर आपको पता ही होगा चंद्रगुप्त सेडोकोटस है, बिंदुसार अमित्रघात है, अशोक प्रियदर्शी है, चाणक्य विष्णुगुप्त है। अंतिम मौर्य सम्राट, सॉरी इसको मिलान कर देते हैं, 2314। अंतिम मौर्य सम्राट था कौन था? वो बृहद्रथ था। अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या उसके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी। अंतिम शुंग राजा देवभूत की हत्या उसके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कड़व और उसके ने राज सिंहासन हथिया लिया था। आंध्रे ने कड़व राजवंश के अंतिम शासक को पद वंचित किया था। तो तीनों ही ऑप्शन सही है। तो ईस्वी के सन के पूर्व कुछ शताब्दी में निम्नलिखित में से किन शासकों ने गिरिनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान किया था दिया था? तो वह थे अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरिनार क्षेत्र में झील का निर्माण करवाया था वो कौन था? वो चंद्रगुप्त मौर्य था। अगला है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख से चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख मिलता है? तो जूनागढ़ के रुद्रदामन और जूनागढ़ के अभिलेख से मिलते हैं। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसने अशोक का अभिलेख भी पाया गया निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का अभिलेख भी पाया गया? तो पाया गया था महाक्षत्र रुद्रदामन और जूनागढ़ में, मतलब अशोक का वर्णन। आगे है, बराबर पहाड़ी की गुफाओं के विषय में निम्नलिखित में से कौन एक सही नहीं है? तो बराबर पहाड़ी ये अभिलेख 6वीं शताब्दी पूर्व का है, ये गलत है, बाकी सब सही है। बराबर पहाड़ी का कुल 4 गुफाएं, 3 गुफाओं की दीवार पर अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण हैं। ये अभिलेख इन गुफाओं को आजीविकाओं को समर्पित होने का उल्लेख करते हैं।
आगे मौर्यकालीन मूर्तियों में मणिभद्र नाम से अंकित मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई, तो वह हुई परखम से। तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेरित है, तो वह है लोथल, एंशियंट डायकॉट, सारनाथ, फर्स्ट सरवन ऑफ बुद्ध, और राजकीय लायन कैपिटल ऑफ अशोक, और नालंदा ग्रेट सीट ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग। तो एक पहला सही है, दूसरा सही है, चौथा सही है, राजगिरी नहीं, ये गलत है, ये राजगिरी वाला गलत है, क्योंकि राजगिरी की जगह पे सारनाथ होगा। तो ठीक है, क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया है, इसको आप पॉज करके धीरे धीरे स्लो मोशन में भी देख लीजिएगा, इसको कर लीजिएगा। और हाँ, अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखा वो भी देख लीजिएगा। इस सारे बहुत ही चैप्टर इंपॉर्टेंट है, जितने भी टॉपर्स हुए हैं सबने यही रिकमेंड किया, और मैक्सिमम क्वेश्चन आप देख लीजिएगा पीसीएस का, यूपीएससी का, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन रिपीटेड होता है, तो ये सारे क्वेश्चन वहीं से हैं। कुछ नए भी क्वेश्चन हैं जो कि अदर पीसीएस एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ठीक है, सबको करिए अच्छे से, और अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को लाइक करवाइए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।